ट्रैफिक एकदम बढ़िया वाला हो रहा है यार इस टाइम पे। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा पर इस गाड़ी के आगे बढ़िया खचाखच ट्रैफिक चल रहा है। इसी के साथ में वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और सभी बड़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। बाल बाल कटवा लिए हैं आप लोग, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा हूँ मैं, है ना। और यार 4:10 हो रहे हैं और अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पी कार्स के अंदर मैं है ना ड्राइव कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पहले एक काम से और फिर उसके बाद में एक मैं शो अटेंड करने जाने वाला हूँ, तो वो आप लोगों को मैं एक काम से फ्री हो जाऊँ एक बार एक घंटे के अंदर अंदर, तो मेरे को जल्दी जल्दी करना है चीज़ें क्योंकि 6:30 से वो शो भी है और अभी 4:15 बज गए। तो बस शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। जस्ट अभी एक बहुत भयानक दृश्य देखा है यार मैंने, एक आदमी डिवाइडर के ऊपर लेटा पड़ा था और काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी उसके बगल में, मतलब है ना उसकी बाइक का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया और वो बाइक पे क्या बिना हेलमेट के आ रहा था और रॉन्ग साइड है ना, जो मेट्रो स्टेशन वाली पुलिया है जो हसनपुरा की तरफ भी उतरती है जयपुर के अंदर, शायद उसकी डेथ हो चुकी है यार। देख के बहुत बुरा लगा, हेलमेट पहन नीचे और दूसरा यार उल्टी साइड आके क्या करते हो यार, किसी के माथा मारने जानबूझ के आओगे तो क्या यार, मतलब यार परिवार पीछे सोचना चाहिए, चीज़ें सोचनी चाहिए आप लोगों को। पर मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड करने में मज़ा नहीं आता है यार। ये देखिए रेड लाइट में निकलते हैं लोग, बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, नॉर्मली भी निकल रहे हैं, ऐसे खड़े होते हैं लोग हमारे यहाँ पे, ये देखो एकदम सबसे आगे खड़ा है हेलमेट के बिना और रेड लाइट में, कोई नहीं है पकड़ने वाला इसको, और पकड़ने आएगा भी तो भग जाएगा। बच गए 5:38 और मैं जा रहा हूँ सीधे गोपालपुरा बनिए का शो अटेंड करने। बनिया मतलब गौरव गुप्ता, हाँ जी आप एकदम ठीक समझे। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं गौरव गुप्ता कौन है, तो ये एक बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है और बहुत ही शानदार कॉमिक टाइमिंग है इनकी, बहुत सही कंटेंट है, जाके ज़रूर देखिएगा। तो बस उनका शो है यार जयपुर के अंदर, तो वो अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ मैं। एक तो दोस्तों से भी पूछा था पर दोस्त लोगों को तो आप जानते ही हो यार, कोई भी राजी हुआ नहीं। वैसे तो यहाँ पर कोई दोस्त है नहीं, पर जो यहाँ पर एकाध बच्चे हैं उनसे मैंने पूछा, पर ठीक है चलो अपन ही जा रहे हैं अकेले। बढ़िया फटाफट जा रहे हैं यार, क्योंकि क्या है 5:40 हो चुके हैं और यहाँ से अभी है 7-8 किलोमीटर है। सूर्य देवता क्या बढ़िया मेहरबान हो रहे हैं, शानदार एकदम रोशनी आ रही है। बस जी जहाँ पे शो है ना गौरव गुप्ता का, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ और जस्ट एंट्री लिया, जल्दी से अंदर जाता हूँ, टाइम हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है बस। बस यार शो से निकल रहे हैं, शो वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग और गौरव भाई ने यार सच में रॉक कर दिया यार माहौल, बहुत ही तगड़ा शो था, बहुत मज़ा आया देख करके। और बस अब घर के लिए निकल रहा हूँ, बढ़िया घर के लिए निकल लिया हूँ बस। और ट्रैफिक वगैरह इतना कोई खास नहीं है यार, वैसे भी 9:15 हो रहे हैं। भाई साहब समा बांध दिया गौरव जी ने, गुप्ता जी ने, कसम से मज़ा आ गया यार, स्वाद एकदम बढ़िया। और उसके बाद में निकलते निकलते क्या है बाहर से 10-15 मिनट लग गए, इतना ट्रैफिक था यार, मतलब जैम पैक शो था, बढ़िया एकदम। कल जो इडली सांभर खाई थी ना यार टोंक रोड पे, बढ़िया स्वाद लगी थी एकदम, मज़ा आ गया था। तो मैंने कहा यार घर जाने से पहले एक प्लेट आज दोबारा से हो जाए, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो बस मैं इतना बाहर का खाता नहीं हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो दूसरे दिन जा रहा है, लेकिन फिर भी साउथ इंडियन फूड जो है ना वो वे हेल्दियर है दूसरे किसी भी चीज़ों से, बेक्ड प्रोडक्ट से, किसी से भी। मैं किसी को भी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार आप वो मत खाओ ये मत खाओ, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है ना। पहुँच गए यार, गाड़ी लगाने की तो जगह मिली नहीं उसके सामने, सामने कम से कम 7-8 गाड़ियाँ ज़्यादा ही लगी हुई है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए सामने जगह ही नहीं है गाड़ी लगाने की बाइक है। इडली सांभर खा के बढ़िया दिल खुश हो गया और वापस से आज वापस वही किया मैंने, जैसे कल 2 प्लेट खाई थी ना आज भी 2 ही प्लेट कंज्यूम करी है, एकदम बढ़िया टेस्टी थी। तो जी टाइम हो गया है ये देखिए 11:55 और ये हाल है टोंक रोड का, अभी टोंक रोड से जस्ट मैं निकला हूँ। क्या है कि यार एक अपने बढ़िया भोले बाबा के भक्त मिल गए थे, तो ये इडली सांभर जैसे मैंने खाया उसके बाद में, तो उनसे क्या है करीब 9:15 बात मेरी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। गुप्ता जी का शो देख करके जब मैं निकला था तो उसके बाद में आया मैं यहाँ पर खाया पिया, ठीक है, 9:15 बात शुरू हुई और आप देखिए 12 बजने को आ गए। इतने मतलब दोनों के विचार मिले, ठीक है, और अपन ने खूब सारी बातें करी और भी अपने अध्यात्म से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड अच्छी अच्छी बढ़िया पॉजिटिव बातें हुई। तो बस अभी घर के लिए निकला हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, और प्लीज़ व्लॉग जैसा भी बन रहा है यार इसको लाइक करेंगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा बनाएंगे फिर यार। ये देखिए ट्रैफिक यही है अभी इस टाइम का, 12 बज गए अपने और 12 बजे भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं। जयपुर यार एक बड़ा शहर है यार, ये देख मेरे पीछे से भी खूब गाड़ियाँ आ रही हैं।
और रात को 2 बजे भी है ना, आपको जयपुर शहर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि सुनसान हो गया है। आराम से है ना, 10-20 गाड़ियाँ एवरी टाइम हर रोड पे जाती मिलेंगी, ऐसे नहीं टोटल 10-20, हर रोड के ऊपर आराम से। और अब तो और भी खचाखच ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और 11:30-12 तक तो आपको ऐसा लगेगा कि शाम के 7-8 बज रहे हैं। 11:30 तक तो आराम से, कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर तो इतनी भीड़ भड़क के रहते हैं। गौरव गुप्ता के अगर आप लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखी है तो मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पैसे तो मिले ही नहीं है इस चीज़ के, लेकिन देखना ज़रूर यार, बहुत ही सही कंटेंट है। और कोई क्रिंच कंटेंट, किसी का मजाक उड़ा के, भगवान का, किसी भी चीज़ का, उस तरीके से है ना, किसी के भी ऊपर कटाक्ष करके, जो गलत होते हैं ना, हर्टफुल जो चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। रात के 12 बजे स्टैचू सर्कल का नज़ारा,